अगर आपकी हड्डी टूट गई है तो क्या खाएं कि जल्दी हड्डी जुड़े? ये बहुत ही कॉमन सवाल है, अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, आई एम प्राउड फादर ऑफ टू चिल्ड्रन एंड हस्बैंड ऑफ अ लवली वुमन। हड्डी टूटने के बाद से नॉर्मली ये लोगों का ये रहता है कि हम क्या खाएं, और यार डॉक्टर को बोलते भी है कि सर कोई ऐसा दवा लिख दीजिए कि हमारा हड्डी जल्दी जुड़ जाए। तो अगर केवल हड्डी दवा से जुड़ जाता तो इतना ऑपरेशन और इतना तामझाम और इतना सब चीजें और इतना आपको परेशानी और इतना परेशानी किसी को करने की जरूरत नहीं रहती। चुपचाप वो दवा लिख देते और वो दवा आपको मालूम भी हो गया रहता है कि हड्डी जुड़ जाने वाली, ठीक है ना। केवल दवाई से बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें जिसके कारण से। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये खाना, लेकिन खाने का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये खाना खाएंगे तो हड्डी जुड़ जाएगी। एक तो पहला चीज, ऐसा कोई भी खाना नहीं है, कितना बार बोलते हैं कि ये नहीं खाएंगे ये नहीं खाएंगे, सब कुछ खा सकते हैं। और एक बहुत बड़ी भ्रांति ये है कि दूध नहीं पिएंगे हड्डी टूटी है तो, और मछली नहीं खाएंगे, ये भी गलत धारणा है, बिल्कुल 100% गलत धारणा है। क्योंकि देखिए, एक तो सबसे पहला चीज कि हड्डी जोड़ने के लिए जरूरी क्या रहता है, एक तो पहला चीज है कि हड्डी हड्डी क्या है, अगर हड्डी जोड़ने के लिए हड्डी ही बनेगा ना, और हड्डी में रहता क्या है, वही चीज आपको खाना है। तो हड्डी में रहता है एक तो पहला चीज की कैल्शियम, और दूसरा चीज की प्रोटीन। तो कैल्शियम और प्रोटीन दोनों मिलना चाहिए, और कैल्शियम और प्रोटीन के लिए, दोनों के लिए दूध बहुत अच्छा चीज है। मांस मछली खाएंगे इसमें प्रोटीन आपको मिलेगा, प्रोटीन मांस मछली भी खाना जरूरी है। तो एक्चुअली प्रोटीन रिच डाइट, इसमें दाल लीजिए, दाल ले सकते हैं, नॉन वेज ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, ये चीजें अच्छा है, बेहतरीन है। दूध में कैल्शियम भी है, कैल्शियम भी लीजिए, कैल्शियम को डॉक्टर सप्लीमेंट के रूप में भी देते हैं, तो ये चीज खाएं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं खाना, कुछ कुछ चीजें नहीं खाना, सब कुछ खा सकते हैं, क्योंकि देखिए बैलेंस डाइट होना चाहिए। बाकी भी मिनरल्स, विटामिन, फ्रूट्स की दवा, फ्रूट्स भी नहीं देते कि फल नहीं खा, टूटा है तो फल नहीं खाएंगे लोग, इस तरह की भी भ्रांतियां लोगों को रहती है कि ये ठंडा रहता है और ये जुड़ने के लिए, तो ऐसी नहीं, सब कुछ बैलेंस डाइट खाइए, लेकिन उसमें प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहनी चाहिए। और कितना बार एक चीज और भी रहता है कि हड्डियां कमजोर रहती है, विटामिन डी की भी कमी रहती है, तो अगर आपकी विटामिन डी की कमी है तो उसका सप्लीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि अब हमेशा तो धूप में जाके आप धूप तो ले नहीं सकते, विटामिन डी का जरूर सप्लीमेंट लीजिए। विटामिन डी 60 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स का आता है, वीकली 5-6 आप ले सकते हैं, ये भी हड्डी जोड़ने के लिए यूजफुल रहता है। लेकिन खाने पीने में ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं खाना है और ये चीज ज्यादा खाना है, लेकिन प्रोटीन और कैल्शियम रिच डाइट रहे तो ये बहुत ही यूजफुल है। तो मुझे आशा है कि आपको मेरा ये, और क्योंकि यही चीज जो है, यही चीज हड्डी बनता है, तो हड्डी बनने के लिए ये इंपॉर्टेंट घटक है, और ये चीज है आपके डाइट में जितना ही अच्छा रहेगा तो उतना ही। लेकिन केवल ऐसा सोचेंगे कि हम खाना खा के हड्डी जुड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हड्डी जुड़ने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्यों हड्डी नहीं जुड़ती है, उसका भी इसमें बहुत सारे फैक्टर है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। मुझे आशा है कि आपके सवालों का इसमें जवाब मिला होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके खाने पीने से कोई सवाल है, आपको लगता है कि कुछ ये खाएं ना खाएं, तो आप हमको क्वेश्चन करके YouTube में ही, चाहे Facebook पे अगर हमारे देख रहे हैं तो जरूर ये करिएगा, और अगर हमारा चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।